अच्छा कामरान भाई, ये बताइए कि जरदारी साहब पंजाब में सूबों की बात करते हैं, और यहाँ जब हमने सूबों की बात की, मुहाजिर कौमी मोमेंट ने 6 मई के जलसे में सूबे की बात की, तो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि सिंध के वजीर आला ने इंतहाई सख्त रिएक्शन दिया उस पर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि पंजाब के लोगों को सूबे के लिए उनके उनके बात की जा रही है, और जब हम यहाँ सिंध के सूबे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इतने सख्त जुमले से नवाजा जा रहा है। कमाल का खूबसूरत सवाल है। बहुत अच्छी बात की आपने। आज से कोई कोई 72-73 साल पहले चले जाते हैं हम हिंदुस्तान में। भाई हम हिंदुस्तानी कहते हो ना आप लोग हमें, हम तो अपने आप को महाजिर कहते हैं और ज़माने से कहते हैं, 1947 से कह रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, ये हैदराबाद दक्कन के आप रहने वाले हो, और इत्तेफाक ये है कि मैं ग्वालियर का यूं रहने वाला हूँ कि मेरे मेरे वालिद वहाँ पैदा हुए, मेरे दादा वहाँ पैदा हुए, मेरे परदादा वहाँ पैदा हुए। लेकिन उसके बाद जब वो सेटअप, एक मेरे वालिद कम्युनिस्ट थे, जब वहाँ सियासत में जब उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई तो वो ग्वालियर से हैदराबाद दक्कन आ गए, और हैदराबाद दक्कन से अपने ताया के साथ वो पाकिस्तान आ गए। अब आप ये देखो, हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान आते हैं और वही सियासत करते हुए आते हैं और जिद्दोजहद करते हुए आते हैं। हमने हिंदुस्तान छोड़ा नहीं, मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमने हिंदुस्तान छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान तोड़ के आए थे। और जब हम तोड़ के आते हैं ना, तो फिर टूटी हुई चीज पे हमें क्या जाना यार, हम पाकिस्तानी हैं। एक चीज, उस पाकिस्तान के साथ जब मैं पाकिस्तानी हूं, इसी तरह पंजाब के साथ भी यही शुरू हुआ। पंजाब, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, उस वक्त तो एक ही पंजाब था, लेकिन ये हमारा जो पंजाब है मशरकी पंजाब था, और उनका जो पंजाब है वो मगरबी पंजाब था। वो टूटा ना, आए सिंध में आए, बम्बई रेजिडेंसी, सिंध टूटा ना। वो अलग बात है कि हिंदुओं की हुकूमत थी यहाँ, पंजाब में सिखों की हुकूमत थी, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे। टूटा पंजाब में हमें जर्फ नजर आता है, पंजाब